18 की सोशल मीडिया ब्रॉडकास्ट में आप सभी लोग का इस्तकबाल है। मैं हूं बिलाल बाली। आज जिला रामबन में राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है और कांग्रेस पार्टी के जो है स्टार कंपेनर है जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात को लेकर, वो संगलदान में आ रहे हैं। यहां पर एक बड़ी पब्लिक रैली को जो वो खिताब करने जा रहे हैं, उस सिलसिले में जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हो चुकी है और इस वक्त जो सिलसिला है लोगों का वो जारी हो चुका है यहां पर वेन्यू की तरफ आने का। जब यहां आप संगलदान ग्राउंड के पास पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको यहां से देखेंगे आपकी सिक्योरिटी चेक से होकर गुजरना पड़ेगा और उसके बाद जो है मेन वेन्यू जो है वो आगे यहाँ पर हेलीपैड जिसे कहा जाता था या स्टेडियम जिसे कहा जाता है वहाँ पर रखा गया है। तो लगातार जो है लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। सिक्योरिटी के तमाम तक पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप देख रहे होंगे कि सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और तमाम जो अमला है यहाँ पर इस वक्त जो तैनात है, और कल रात से ही ये तमाम इंतजाम किए जा रहे थे कि किस तरह से जो आज के दिन में जो राहुल गांधी की यहाँ पर विजिट जो शेड्यूल है उसको अहसन तरीके से अंजाम देने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज और जो तमाम तरह की पैरामीटर्स को देखते हुए यहाँ पर लोगों को अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है। और ये सामने अगर आप देखेंगे तो वेन्यू हमारा जो है वहाँ पर है जहाँ राहुल गांधी जो है वो पब्लिक को एड्रेस करेंगे। तो तमाम तरह इंतजाम हो चुके हैं, टेंट लग चुका है, चेयर्स लग चुकी है और जो स्टेज है वो सज चुका है। बस अब इंतज़ार जो है कि आवाम के आने का है और उनके जो लीडर है यहाँ पर आज जो शेड्यूल्ड है राहुल गांधी जो यहाँ पर आ रहे हैं उनके आने का इंतज़ार किया जा रहा है। और तमाम तरह के लोग हम देख रहे हैं यहाँ पर पहुँच रहे, बुजुर्ग हैं, खवातीन हैं, बच्चे हैं और सभी तरह के जो कांग्रेस वर्करान है वो यहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी और मज़ीद जो भीड़ बढ़ सकती है जब बानीहाल कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग यहाँ पहुँचेंगे। और उनके लिए आप देखेंगे कि इंतजाम गाड़ियों के ज़रिए चेयर्स एडवांस मंगवाई जा रही है। पहले भी बहुत सारी चेयर्स लगी है लेकिन फिर भी बैकअप के लिए यहाँ पर रखी गई कि अगर यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है तो मजीद कुर्सी को यहाँ इंस्टॉल किया जाएगा। ज़रा सा बारिश ने यहाँ पर मौसम में जो करवट बदली कल रात को, तो उसकी वजह से थोड़ा कीचड़ का माहौल है लेकिन फिर भी अभी धूप निकली हुई मौसम अगर आप देखेंगे तो आबर आलूद ज़रूर है लेकिन बारिश की प्रेडिक्शन जो है आज के दिन में कम है। तकरीबन 22-23% यहाँ पर आज बारिश होने के इम्कान है। तो कांग्रेस पार्टी यही चाहती होगी, विकार रसूल जो है यहाँ के जो कैंडिडेट है बानीहाल कॉन्स्टिट्यूंसी, वो ये चाहते होंगे कि आज मौसम खुशगवार रहे और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए और उनके लीडर को सुने। और यहाँ से जो है ज़िला रामबन के अंदर जो है इलेक्शन की जो कंपेन है वो इंटेंसीफाई हो जाती है जब पार्टियों के जो स्टार कंपेनर है वो यहाँ पहुँचना शुरू होगी, अपने अपने उम्मीदवारों के हक में जो है वह वोट मांगेंगे। तो आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि किस तरीके से बाकी पार्टियों के स्टार कंपेनर यहाँ पर आएंगे। और जो ज़िला रामबन के अंदर इस वक्त कंपेन चल रही है जिसमें बानीहाल कॉन्स्टिट्यूंसी और रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए इंतखाबात होने हैं और इस बार मुनफरिद और दिलचस्प बात यह है कि दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो है ट्रायंगुलर जो है वो गेम बन रही है। यहाँ पर ट्रायंगुलर मुकाबला देखने को मिल सकता है जहाँ पर माजी के हरीफ कांग्रेस, एनसी, पीडीपी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो भी यहाँ पर रोल प्ले करेंगे इस इंतखाबी माहौल में। 18 सितंबर को जो है जिला रामबन के अंदर जो है पहले मरहले के तहत इंतखाबात होने हैं जिस दिन आवाम जो है अपने हक की रायदही का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है कंपेन का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम लीडरान जो है, तमाम उम्मीदवार कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने बड़े लीडर्स को, स्टार प्रचार को यहाँ पर बुलाकर लोगों को अपनी तरफ मतवजा करें ताकि आने वाले दिनों में लोग जो है उन्हें अपना भरोसा देकर असेंबली में अपनी नुमाइंदगी के लिए चुने। न्यूज 18 की जो कवरेज है लगातार जारी रहेगी, आप देखते रहिए न्यूज 18।